आज मैं आप लोगों के लिए हलवाई स्टाइल भंडारे की सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बिना प्याज बिना लहसुन के बनती है। इसमें मैं टमाटर भी नहीं डालूंगी, क्योंकि इस समय टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो मैं इसको बिना टमाटर बिना प्याज बिना लहसुन के बेहद स्वादिष्ट बनाकर आपको बताऊँगी कि कैसे बनती है और हलवाई लोग कैसे बनाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कॉमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक पैन हमने गैस में चढ़ा दिया है और इसमें हमने एक बड़ा चम्मच तेल का डाल दिया है। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और गर्म होने के बाद इसमें आधा टीस्पून हमने हींग डाली है और इसके बाद हम इसमें एक टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा जब अच्छे से भून जाए तब इसमें हम एक टेबल स्पून हल्दी, दो टेबल स्पून धनिया डालकर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से सारे मसालों के साथ पका लेंगे। जब हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं तो इसमें हम एक टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे। अभी हमने इतना ही मसाला डाला है, आगे हम और कौन कौन से मसाले डालेंगे उसको आपको बाद में बताएंगे। दो टेबल स्पून इसमें कसूरी मेथी हमने हाथों से क्रश करके डाली है। इस सब्ज़ी में कसूरी मेथी को डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसमें कसूरी मेथी आप ज़रूर डालें। दो हरी मिर्च हैं जिनको हमने बारीक कट कर लिया है, इसको भी मसालों के साथ भून लेते हैं। अगर आपको अदरक पसंद हो तो आप इसमें थोड़ा सा अदरक भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ के चार आलू उबाल कर छील लिए हैं, उनको इस तरह से हम हाथों से मैश करके डालेंगे। हमें आलू को काट के नहीं डालना है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक मैश करना है, इनको इस तरह से हाथों से हमें रफली मैश करना है, जिससे कि इसके कुछ बड़े टुकड़े रहें और कुछ बारीक भी हो जाएं। अगर आप चाहें तो आप इस सब्जी को व्रत में भी खा सकते हैं। बस आपको इतना करना पड़ेगा कि इसमें जो भी मसाले पड़े हैं, आप उनमें से अगर कोई भी मसाला व्रत में नहीं खाते हैं या फिर तेल की जगह घी खाते हैं, तो आप उसको अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो मसाले व्रत में खाते हैं वो डाल लें और जो नहीं खाते हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं। और जब आप व्रत करेंगे उसके बाद जब कन्या पूजन होगा तो आप उसमें भी सब्जी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसमें हमने दो ग्लास भर के पानी डाला है। हमें पानी ज़्यादा डालना है, क्योंकि हमें इस सब्जी को अच्छे से मीडियम फ्लेम पे काफ़ी देर तक पकाना होगा, जिससे कि ये अच्छी से गाढ़ी हो जाए, इसका पानी और आलू आपस में घुल मिल जाएं, तभी इस सब्जी में बिल्कुल हलवाई जैसे भंडारे वाली सब्जी का स्वाद आ पाएगा। अब इसमें हम एक टेबल स्पून नमक डाल देते हैं और इसमें हम एक टेबल स्पून आमचूर पाउडर डाल देंगे। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप सेंधा नमक डालें, मैंने तो इसमें नॉर्मल नमक ही डाला है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम 10 से 12 मिनट तक पका लेंगे। 10-12 मिनट के बाद हमारी सब्जी देखिए कितनी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है और बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसके बाद इसमें अब हम कुछ मसाले ऊपर से डालेंगे। इसमें हमने 2 टीस्पून गरम मसाला डाला है और उसके बाद 1 टेबल स्पून के लगभग हमने कसूरी मेथी क्रश करके डाल दिया है। ये चीज़ें हमें गैस बंद करने के बाद ही डालनी है। और ढेर सारा धनिया पत्ती डालेंगे। धनिया पत्ती डालने से इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप ये तीनों चीज़ें गैस को बंद करने के बाद ही डालेंगे तो हमारी सब्ज़ी बिल्कुल हलवाई जैसी भंडारे वाली सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो ये लीजिए, हमारी भंडारे वाली सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं और सर्व करने के बाद आप इसको पूड़ी, पराठे, रोटी या फिर चावल के साथ खा सकते हैं। किसी भी चीज़ के साथ ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। और अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप इसको राजगिरे का आटा या फिर कुट्टू के आटे के साथ भी पूड़ी बनाकर खा सकते हैं। तो ये लीजिए, आ गई हमारी गर्मा गर्म भंडारे वाली सब्जी। लग रही है ना, बिल्कुल वही सब्जी जो हमें भंडारे में दोने में मिलती है पूड़ी के साथ, बिल्कुल उसी तरह से ये बनी है, खाने में भी बिल्कुल वैसी है। आप भी इस नवरात्रि इस भंडारे वाली सब्जी को ट्राई ज़रूर करें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।